नमस्कार दोस्तों, शोना शोना जो कि सिग्नास का गाना आया है नया, टोनी कक्कर ने जिसे गाया है और अजीम मन और आगम मन ने डायरेक्ट किया, तो मैं फाइनली अब उसको रिव्यू करूंगा। तो मैंने जब गाना सुना तो मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि गाना जो है वो सिग्नास के लिए थोड़ा और अच्छा हो सकता था। नो डाउट पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है गाने का, शहनाज बहुत ज़्यादा सुंदर लगी है, सिद्धार्थ भी स्मार्ट लगे हैं, और जो अलग अलग लोकेशंस वगैरह थे उनके, जिस तरह का भी उनने सेटअप किए थे, सेटअप बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, नो डाउट। लेकिन गाने में बहुत चूक हुई है टोनी कक्कर से, गाना उतना अच्छा नहीं है जितना सिग्नास का जो कैरेक्टर है, मतलब जो सिद्धार्थ और शहनाज की केमिस्ट्री है उस पर ये गाना बिल्कुल भी सूट नहीं किया। जिस तरह की केमिस्ट्री और जितना दोनों का औधा है इस वक्त इंडस्ट्री में, या जितनी दोनों की पहचान है, या कह लो जितनी दोनों की लोगों की केमिस्ट्री है एट दी एंड, उसके हिसाब से गाना उस रीच तक नहीं जा पाया। लेकिन फिर भी सिग्नास फैंस को ये पसंद आएगा क्योंकि शहनाज बहुत सुंदर दिखी है, जैसा कि मैंने कहा, सिद्धार्थ भी बहुत स्मार्ट दिखे हैं, कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे पहने हैं, म्यूज़िक ठीक है, पर जो गाने के लिरिक्स हैं और गाना है वो कहीं ना कहीं चूक गया टोनी कक्कर से, उतना अच्छा नहीं हो पाया शायद जितना अच्छा उन्होंने सोचा होगा। ये गाना थोड़ा सा रह गया। शहनाज और सिद्धार्थ शायद हो सकता है इस चीज़ से नाराज़ हो कि गाना उतना अच्छा नहीं है, लोगों को शायद उतना पसंद ना आए, लेकिन सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। जिन लोगों को इस टाइप के जो गाने हैं थोड़े क्या बोलते हैं ऐसे रोम कॉम टाइप के गाने हैं वो पसंद आ सकते हैं उन्हें, पर जिन लोगों की ये चॉइस नहीं है, जिन लोगों का ये टेस्ट नहीं है, उन्हें ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बट फॉर ऑल द सिग्नास फैंस, उन लोग आप लोग ज़रूर खुश होंगे क्योंकि इतने दिनों बाद फाइनली दोनों साथ में एक साथ में स्क्रीन में दिख रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है सिग्नास फैंस के लिए। आप लोग देखते रहिए सिने स्पीक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।